इसको इसलिए मिक्स फ्लो टर्बाइन कहते हैं। हमारे पास तरबेला में जो टर्बाइन लगी हैं वो सारी हैं। ओवरऑल जो है वो 60% जो जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है वाटर से, वहाँ पे 60% जो यूज़ है वो फ्रांसिस का है, 60% तकरीबन। तो वो जो है पेल्टन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते, पेल्टन की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, लेकिन पेल्टन के लिए हेड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड है, वो हाई हेड्स के लिए एफिशिएंट है, ये मीडियम हेड्स के लिए एफिशिएंट है, और जो कैपलान है वो लो हेड्स के लिए एफिशिएंट है। तो हमारे पास क्योंकि इधर तरबेला वगैरह में आपने कभी विजिट किया जी सर, टर्बाइन वगैरह देखी है जी सर, साइज कितने बड़े हैं, और हमारे पास जो वहाँ पे हेड है वो मीडियम हेड है, तो वहाँ पे सबसे सूटेबल जो है वो ये है। मेरे ख्याल में 14 वहाँ पे लगी हुई है, या किस तरह की बात प्रेशर वाटर जो है वो आगे आपके पास जब निकल के आता है आई से, तो वो प्रेशर लो प्रेशर वाटर जो होता है वो आगे आता है, तो ये दोबारा स्ट्रीम में जाने के लिए वो क्योंकि आगे कैविटेशन स्टार्ट ना हो जाए उसके लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ड्रॉप ट्यूब लगाई जाती है। ये तो अभी उस तरह नहीं है क्योंकि हमारा जो वाटर है वो वाटर लेवल से नीचे है, ये पहले ही वहाँ से उसको एग्जिट कर देता है। वैसे ड्रॉप ट्यूब ये करती है कि आप उसका एरिया ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, जब एरिया बढ़ता है तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो आपकी कैविटेशन स्टार्ट नहीं होती या आपको मतलब इस तरह का इफेक्ट नहीं आता। कैविटेशन ये होती है कि जब वो रोटेशन करता है तो वो बबल्स का इफेक्ट आता है, टर्बाइन आपकी रोटेट हो रही हो अगर शायद यहाँ पे आपको नजर आए जब आप इसको चलाएं, तो वो क्या करता है कि उससे वेयर एंड टेयर होता है और आपकी